हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल मलाई वाले गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो हम सभी बना लेते हैं, लेकिन मार्केट जैसी मलाई नहीं बना पाते। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक मिनट में मलाई बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर डेढ़ कटोरी चीनी ली हूँ। तो सबसे पहले हम गैस के ऊपर एक पतीले को चढ़ा देंगे और इसमें हम डेढ़ कटोरी चीनी डाल देते हैं। जिस कटोरी से मैंने चीनी लिया था उसी कटोरी से हम तीन कटोरी इसमें पानी डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं और चीनी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम तेज़ आँच पर तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी चीनी अच्छे से घुल ना जाए। इसे हमें एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इतना ही पकाना है ताकि हमारी चीनी की चाशनी जो है थोड़ी चिपचिपी हो जाए। इसमें हम तीन से चार इलायची को इस तरह से हाथों से खोलकर डाल देंगे और एक बार चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब तक हमारी चीनी की चाशनी बन रही तब तक हम मिठाई के लिए डो बना लेते हैं। तो डो बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम डेढ़ कटोरी मिल्क पाउडर लेंगे। आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर ले। तो मैं एक छोटी वाली कटोरी से डेढ़ कटोरी मिल्क पाउडर ली हूँ। उसी कटोरी से हम इसमें आधी कटोरी मैदा डालेंगे। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। तो सभी चीज़ों को आगे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम एक चम्मच घी डालेंगे। घी, मैदा और मिल्क पाउडर को हम आगे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी दूध ली हूँ। दूध हमारा रूम टेम्परेचर का है तो दूध को हम इसमें थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा जो डो है वो गीला हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसके हम हल्के हाथों से ही गूंदेंगे। जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा मसल मसल कर गूंदते हैं उसे हमें इस तरह से नहीं गूंदना है। इसे हमें सिर्फ एक जगह इकट्ठा करना है। तो देख सकते हैं मैंने इसमें जितनी ज़रूरत पड़ी उतना ही दूध डालकर एक जगह इकट्ठा कर लिया है। तो डो हमारा बनकर तैयार है। इसे हम ढककर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब इसमें आप 5 से 6 केसर के धागे डाल देंगे। यदि हो तो डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं चीनी की चाशनी जो है हमारी चिपचिपी हो गई है। इसका मतलब हमारी चीनी की चाशनी बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसमें हम एक टुकड़ा नींबू का डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी चीनी जमेगी नहीं। अब इसे हम ढककर एक साइड में रख देते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं और डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम हल्के हाथों से अच्छे से दबाते हुए गूंद लेते हैं। इसे हम हल्के हाथों से थोड़ा चिकना कर लेते हैं। तो इसे मैंने हल्के हाथों से चिकना कर लिया है। अब अपने अनुसार हम इसके छोटे छोटे लोई बनाएंगे। आप छोटी या बड़ी इसकी लोई अपनी मर्जी से काट सकते हैं। तो हाथों पर हम सबसे पहले घी लगाएंगे और इसके हम छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। आप इसे अपने अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे हाथों में गोल गोल शेप देंगे। गोल करने के बाद इसे हम हल्का सा सिलेंडर का शेप देंगे। तो देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह से सिलेंडर का शेप दिया है। लेकिन एक प्लेट पर रखने के बाद में इसके अगले भाग और पिछले भाग को हम हल्का हल्का टेप कर देंगे। तो देख सकते हैं एक मिठाई को मैंने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से मैं आपको दूसरे भी बनाकर दिखाती हूँ। तो दूसरी भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। तो देख सकते हैं मैं दो मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर ली हूँ। इसी तरह से बाकी बचे डो को भी हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं सारी मिठाइयों को मैंने बनाकर तैयार कर लिया। उतनी डो में मेरी 11 पीस मिठाई बने हैं। इधर गैस पर मैंने तेल को आगे ही गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था और इसे मैंने एकदम धीमी आंच पर गर्म किया है। मैं एकदम छोटा सा तोड़कर इसमें डालकर दिखाती हूँ कि तेल को मैंने कितना गर्म करके रखा है। तो देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। तेल को इतना ही गर्म करना है। अब जो मैंने मिठाइयाँ बना कर रखी हैं एक एक तेल में हम डालते जाएँगे। इसे अभी हमें बिल्कुल भी छूना नहीं है। एक एक कर हम सारी मिठाइयों को डाल देंगे। देखेंगे आप धीरे धीरे ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे। तो देख सकते हैं सारी मिठाइयों को मैंने छुआ भी नहीं है लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर की ओर आ गई है। इसे हम सिर्फ चम्मच से हल्का हल्का इस तरह से करेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। इसे हम बिल्कुल भी उल्टेंगे पलटेंगे नहीं। हल्का हल्का हम तेल को राउंड राउंड कर देते हैं। देख सकते हैं फूलकर कितने बड़े बड़े हो गए हैं। देख सकते हैं मुझे इसे लटने पलटने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। सिर्फ इस तरह से राउंड राउंड करेंगे तो अपने आप लटते पलटते अच्छे से सीख जाएंगे। इसे हम एकदम ब्राउन करेंगे।
देख सकते हैं मिठाई हमारी बनकर तैयार है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो सारी मिठाइयों को हम एक बड़े बर्तन में निकालेंगे। इधर हमारी चाशनी भी गर्म है, तो सारी गर्म चाशनी को हम मिठाइयों में डाल देंगे। हम चाहते तो उसमें भी डाल सकते थे, लेकिन वो बर्तन हमारा छोटा था, इसलिए मैंने बड़े बर्तन में लिया ताकि हमारी मिठाइयाँ रस को अच्छे से पी सके और ये फूल कर थोड़े बड़े बड़े बन सके। तो सारी मिठाइयों को मैंने इसमें डाल दिया है, रस भी डाल दिया है। इसे हम ढककर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारी मिठाइयाँ जो है रस को पी सके और ये फूल कर थोड़े स्पंजी बन सके। अब इसके लिए हम मलाई बनाएंगे। तो मलाई बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पेन को चढ़ा दिया है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और एकदम गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे। अब इसमें मैं यहाँ पर 1 कप दूध डाल रही हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पर 1 कटोरी मिल्क पाउडर डाल देंगे। दूध और मिल्क पाउडर को हम आगे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दूध और मिल्क पाउडर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी, दूध और मिल्क पाउडर को हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। गैस की फ्लेम को अभी हम एकदम कम करके रखेंगे, धीमी आंच पर ही इसे हम पकाएंगे। तो देख सकते हैं मलाई जो हमारी गाढ़ी होने लगी है। इसे मैंने लगातार चलाते हुए पकाया है। तो देख सकते हैं मलाई हमारी बनकर तैयार है। इसे हम इतना ही गीला रखेंगे, यदि हम ज़्यादा पका देंगे तो हमारी मलाई बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद में ये धीरे धीरे जम जाएगी। तो 3 घंटा हो चुके हैं और देख सकते हैं मिठाइयाँ हमारी फूलकर कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। अब एक एक मिठाई को उठाएँगे और हल्के हल्के हाथों से हम इसके रस को थोड़ा सा निकाल देंगे और इसे एक प्लेट में हम रखेंगे। थोड़े से डो हमारे बच गए थे, तो देख सकते हैं मैंने इसमें छोटी छोटी मिठाइयाँ भी बना रखी है। तो इसी तरह से हम सारी मिठाइयों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सारी मिठाइयों को मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है। इधर जो मैंने मलाई बना कर रखे थे वो भी देख सकते हैं ठंडे होकर कितने गाढ़े हो गए हैं। इधर मैं एक प्लास्टिक ली हूँ। अब एक ग्लास में इस प्लास्टिक को हम इस तरह से घुसाएँगे और सारे मलाई को हम उसमें डाल देते हैं। अब इसके ऊपर भाग में हम इस तरह से एक रबर को लगा देंगे। अब इसके जो साइड भाग है उसे हम कैंची से कट कर लेते हैं। तो इसे अभी हम एक साइड में रखते हैं। अब एक मिठाई को इस तरह से हम उठाएंगे और इसे हम चाकू से बीच में कट करेंगे। तो देख सकते हैं भीतर से कितने जालीदार बनकर तैयार हुए हैं। अब जो मैंने मलाई बना कर रखे थे उसे हम इसके अंदर डालेंगे। तो देख सकते हैं एक मिठाई में मैंने मलाई को भर दिया है। अब इसे हम हल्के हाथों से इस तरह से दबा देंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से मैं आपको दूसरी मिठाई में भी मलाई भरकर दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं दूसरी मिठाई में भी मैंने इस तरह से मलाई को भर दिया है। इसी तरह से सारी मिठाइयों में हम मलाई को भर लेते हैं। तो क्रीम भरने के बाद मिठाइयों को हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी क्रीम जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो 1 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और देख सकते हैं मिठाइयाँ हमारी बनकर तैयार है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी पिस्ते के दाने ली हूँ, इससे हम मिठाइयों को गार्निश कर लेते हैं। इससे हमारी मिठाइयाँ देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो देख रहे हैं हमारी मिठाइयाँ बनकर तैयार है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जैसे कि रक्षाबंधन आ रहा है तो उसे आप घर पर इजीली बना सकते हैं। मार्केट से जो महंगी मिठाइयाँ लाते हैं उनसे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे घर पर बनाया है। तो एक पीस मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं और इसके अंदर मलाई कितनी अच्छी लग रही है देखने में। यदि आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।